दिल्ली में हर 10 कदम पर यह फेमस है स्ट्रीट फूड राम लड्डू आपको ज़रूर मिलेगा। लोग इस राम लड्डू को बहुत पसंद करते हैं और इसे बनाना भी आसान है। बिना प्याज बिना किसी मसाले के भी बहुत स्वादिष्ट लगती है और मैंने स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट टिप्स के साथ बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट स्पॉन्जी राम लड्डू बनाना बताया है। इसे एक स्पेशल हरी चटनी के साथ खाया जाता है जो हलवाइयों का सीक्रेट भी है, जिसके बिना राम लड्डू का स्वाद अधूरा है। इसे भी मैंने बनाना बताया है, तो बनाते हैं इसे। अच्छा सुनिए, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा दीजिए ताकि हमारे व्यंजन आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी तिवारी, इंडियन फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड राम लड्डू बनाएंगे। ये स्नैक दालों से बनाई जाती है। खाने में ये जितनी मज़ेदार और स्वादिष्ट होती है, इसे बनाना उतना ही आसान भी है। बट परफेक्ट हलवाइयों वाला स्वाद लाने के लिए दालों की मेजरमेंट सही रखनी होगी और इसके सारे छोटे छोटे टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं किचन में। राम लड्डू बनाने के लिए हमने 3 घंटे पानी में भीगे हुए दालें लिए हैं, जिसमें 1 कप मूंग दाल है जो अच्छे से भीग चुकी है। इसके हाफ़ क्वांटिटी में यानी आधा कप चना दाल है और चना दाल के हाफ़ क्वांटिटी यानी 1/4 कप उड़द दाल लिया है। दालों को 3 से 4 घंटे पानी में सोख करके लेना है। अब इसे ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। आप सारी चीज़ों को एक साथ भी भिगो सकते हैं, दिखाने के लिए मैंने अलग अलग भिगोया था। अब जार का लीड लगाकर इसे स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसका स्मूथ बैटर बना लिया। ध्यान रहे, इसे ग्राइंड करते वक्त हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना, वरना राम लड्डू का शेप परफेक्ट नहीं आएगा। बाउल में ट्रांसफ़र करके इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। फिर 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे और 1 विस्कर के हेल से या हाथों से इसे अच्छे से फेंटेंगे। इसे फेंटने के लिए आप स्पून का नहीं बल्कि हाथ या विस्कर का ही इस्तेमाल करें और लगातार एक ही डायरेक्शन में फेंटें ताकि बैटर लाइट और फ्लफी बने। हमने इसे 7 मिनट तक अच्छे से फेंटा है। अब ये फ्लफी और लाइट हो चुकी है। स्क्रीन पर आप पहले और अब के बैटर में फ़र्क देख सकते हैं। बैटर में एयर फिल हो चुका है। इस प्रोसेस में थोड़ा एफर्ट तो है बट ये इम्पॉर्टेंट है। अब थोड़ी सी कटे हुई धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो थोड़ा थोड़ा बैटर तोड़कर इसमें लड्डू का शेप देंगे। अगर बैटर हाथों पर चिपक रहा हो तो आप अपने हाथों को पानी से गीला कर सकते हैं, जिससे शेप देने में आसानी होगी। जब आप बैटर डालें और वो फूलकर साइज से डबल होकर ऊपर आ जाए तो इसका मतलब हमारा राम लड्डू परफेक्ट बना है। इसे हमें मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करना है और कलछी से गरम गरम तेल इसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि ये बहुत फूल चुका है और इसे पलटना मुश्किल है। इसे हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। फिर स्टेनर के हेल्प से कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। एक बार के बैच को सेकने में 6 मिनट का वक्त लगता है। सेम प्रोसेस से हम बाकी के बैच भी डालकर फ्राई कर लेंगे। राम लड्डू कढ़ाई में डालते ही फूल कर साइज से डबल हो जा रहे हैं। सच में खाने में ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसे बनाकर आप खाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। गोल्डन होने पर इसे कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। अब हम चलते हैं इसके साथ खाए जाने वाली हलवाई की सीक्रेट और बहुत स्पेशल मूली की चटनी बनाने के प्रोसेस में। राम लड्डू के साथ मूली की चटनी खाई जाती है जो झटपट बनकर तैयार हो जाती है।
इसे बनाने के लिए हमने 5 से 6 ताजी हरी मूली की पत्तियाँ ली हैं, 2 इंच अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च, थोड़ी सी हरा धनिया और 1 मूली लिया है वॉल्यूम के लिए। इसके अलावा मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करती हूँ जो है आंवला, अगर आपके पास हो तो इसे ज़रूर डालें। सारी चीज़ों को एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और आंवले का बीज निकाल कर इसे हम जार में डालेंगे। फिर 1/2 छोटी चम्मच नमक ऐड करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारी स्वादिष्ट हरी चटनी बनकर तैयार है। इसे ग्राइंड करने के लिए हमने 1/4 कप फ्रिज का ठंडा पानी इस्तेमाल किया था। यह एक टिप है, ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से हरी चटनी का कलर ब्राइट ग्रीन आएगी और काली नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए हमने इसे एक सर्विंग प्लेट में हरी मूली की चटनी और घिसी हुई मूली के साथ सर्व किया है। इसे कद्दूकस की हुई मूली के साथ खाया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे दुकानों पर स्ट्रीट स्टाइल कैसे सर्व किया जाता है। उसके लिए हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे और ऊपर से घिसी हुई मूली, कुछ हरे धनिया की पत्तियाँ, कटी हुई हरी मिर्च और हरी चटनी ऊपर से डालकर सर्व करेंगे। तो लीजिए, हमारी फेमस राम लड्डू बनकर तैयार है। तो आप ये बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस इंडियन फूड जर्नी के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। नीचे दिए गए सर्कल पर अभी क्लिक करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर आपको मेरी और 2 मज़ेदार रेसिपी दिख रही होगी। आपको जो भी पसंद है उस पर क्लिक करें। मैं वहां आपका वेट कर रही हूं।